SN Live सच सबसे आगे। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़ सिवान। बिहार में बड़े पैमाने पर डीएम और एसपी का क्यों हुआ तबादला? सरकार का मकसद क्या है? शनिवार की देर रात बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। कई जिलों के डीएम और एसपी बदले गए। महत्वपूर्ण विभागों के सचिव स्तर के पदाधिकारियों का भी तबादला किया गया। लेकिन इस सबके बीच प्रशासनिक गलियारों में हलचलें बढ़ गई हैं। आईपीएस अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी हुई और इसके बाद ही यह तय हो गया कि अधिकारियों का ट्रांसफर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को ही यह आदेश जारी होना था, लेकिन किसी कारणवश मामला शनिवार तक खींच गया। सरकार ने बिहार के 13 जिलों में नए डीएम की तैनाती कर दी, साथ ही साथ सीनियर आईएएस अधिकारियों की विभाग भी बदलेगा। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को भोजपुर जिले का नया डीएम बनाया गया, जबकि बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा को मधुबनी में तैनात की गई। शेखपुरा के डीएम इनायत खान को अररिया का डीएम बनाया गया। बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक के पद पर तैनात श्रीकांत शास्त्री को किशनगंज का डीएम बनाया गया। भोजपुर के डीएम रहे रोशन कुशवाहा को बेगूसराय का डीएम बनाया गया, जबकि वैशाली के डीएम रही उदिता सिंह को नवादा का डीएम बनाया गया। नवादा के डीएम यशपाल मीणा अब हाजीपुर के डीएम हैं। सुहर्ष भगत को पूर्णिया का डीएम बनाया गया, जबकि मनीष कुमार मीणा सीतामढ़ी के डीएम बनाए गए। सावन कुमार को शेखपुरा डीएम बनाया गया। पटना में डीडीसी के पद पर तैनात रिचि पांडे जहानाबाद के नए डीएम बनाए गए हैं। अंशुल कुमार को बांका का नया डीएम बनाया गया, जबकि मुकुल कुमार गुप्ता शिवहर के नए डीएम होंगे। इसके अलावा जिलों के एसपी बदले गए, उनमें नवादा, बांका, मधुबनी, अरवल और लखीसराय जिला शामिल हैं। हिमांशु शंकर त्रिवेदी को अरवल का नया एसपी बनाया गया। डॉक्टर गौरव मंगला नवादा के नए एसपी होंगे। लखीसराय के एसपी सुशील कुमार को मधुबनी का एसपी बनाया गया, जबकि पंकज कुमार लखीसराय के नए एसपी होंगे। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले को एक रूटीन प्रोसेस माना जा रहा है। लंबे अरसे से इन तबादलों का क्या इंतजार प्रशासनिक महकमा कर रहा था, हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब नीतीश सरकार ने जिला स्तर पर तंत्र को मजबूत करने के लिए यह बदलाव किया है। एसएन लाइव से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।